करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 8 दिसंबर 2023 फ्राइडे एंड आई एम योर होस्ट आशीष वर्मा। डॉलर इंडेक्स जो अभी है 103.58, द हॉट टॉपिक फॉर डिस्कशन एट द मोमेंट इज डॉलर येन। डॉलर येन में जो कल के दिन लो मारा है वो है आपका 141.60। सुपर फैंटास्टिक डाउनवर्ड सेलिंग स्प्री इन डॉलर येन फ्रॉम 147.31 हाई टू 141.60 लो। इट्स योर ऑलमोस्ट 600 पिप्स डाउनवर्ड सेलिंग। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जेपीवाई स्ट्रेंथेंस अमिड स्पेकुलेशन, बीओजे में एंड नेगेटिव रेट पॉलिसी, दैट इज द मार्केट। ये तो हो गया आपका मार्केट टॉप, बट चार्ट वाइज अगर हम देखेंगे काफी समय से हम इंतजार कर रहे हैं, मींस इंतजार कर करके थक रहे हैं एंड ये अभी क्लोज दिया। ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट था, ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे एक ब्लास्ट हुआ है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट में भी आने के बाद काफी टाइम पास किया है एंड दैट इज द क्रक्स। आप हमेशा याद रखो, जब भी कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन सपोर्ट या ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस अप्रोच करता है प्राइस, उसके बाद अगर वहां पे टाइम पास करते हैं तो ब्रेकआउट ज्यादातर केसेस में देखा एंड वही हुआ है। एंड चलो ठीक है, डॉलर इंडेक्स में आ जाते हैं। डॉलर इंडेक्स अभी है 103.58। ये आप देखोगे कि कल के दिन 104.11 से 103.27 तक आया, एक नेगेटिव कैंडल बनाया, बट द प्राइस रिजेक्शन एट द लोअर एंड। इसका मतलब क्या है कि सपोर्ट लेवल पे सेलर्स गॉट रिजेक्टेड। तो हमें देखना है कि इस एरिया पे, ये जो सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन के एरिया पे सेलर्स कितना एक्टिव होते हैं। डॉलर रुपी कुछ नया नहीं है, वही साइडवेज कंसोलिडेशन चलने देते हैं और क्या करेंगे। जीबीपी डॉलर 1.2589 आपका कल के दिन एक बाउंस बैक देखा गया है। आप अगर देखोगे ये जो 1 दिसंबर का जो बुलिश कैंडल था, उसका लो वाज एन इम्पोर्टेंट प्लेस जिसके नीचे एक सेलिंग होना चाहिए, लेकिन सेलिंग वाज नॉट दैट इज नॉट दैट ग्रेट। हमारा जो टारगेट था सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड, कहां पे आके कल लो हुआ, मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ, आप खुद देख लो सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड, उसको अगर तोड़ेगा आने वाले दिनों में, देन दिस इज द 123.75 से 124.10 का जो है अभी हमें क्या देखना है दो तीन चीजें देखना है वीकली में एक अच्छा खासा सेलिंग देखा गया है जिसके कारण यहाँ पे एक कंजंक्शन से 61.8% रिट्रेसमेंट ऑफ जुलाई अक्टूबर डाउन ट्रेंड। एक प्राइस सेक्शंस आरएसआई रेजिस्टेंस एट 60। सो आपका क्या हो गया यहाँ पे, मींस एक जंक्शन बन गया इंपॉर्टेंट। क्या यहाँ पे और भी सेलिंग आ सकते हैं, दैट इज द मिलियन डॉलर क्वेश्चंस। क्यों मिलियन डॉलर क्वेश्चंस, वीकली पर्सपेक्टिव में नेगेटिव इंडिकेशंस है। अभी कंसीडरिंग दैट नेगेटिव इंडिकेशंस, हमें देखना है डेली चार्ट में क्या नेगेटिविटी दिख रहा है। अभी डेली चार्ट का नेगेटिविटी कब हो सकता है, कल का जो लो है, कल का लो क्या है आपका 1.2544 यानी 1.2540 के नीचे हमें एक सेलिंग देख सकते हैं। उस सेलिंग का जो स्टेशन सपोर्ट लेवल जो एक्सपेक्टेड है वो है आपका 1.2485। क्या होता है, ऑल्सो डेली आर एस आई
क्या ये 60 के नजदीक जाके रेजिस्टेंस लेके नीचे आते हैं? इन सच ए केस हमें एक अच्छा खासा जबरदस्त सेलिंग दिख सकता है। अभी जीबीपी आईएनआर में भी आपका वीकली जो नेगेटिव कैंडल अंडर फॉर्मेशन से बहुत ही जबरदस्त है। आरएसआई टेकिंग रेजिस्टेंस नॉट एग्जैक्टली एट 60 बट नियर टू 60, सो यहां पर भी एक सेलिंग हम आशा कर सकते हैं। लेकिन आशा कैसे करेंगे, प्राइस सेक्शंस क्या बिहेव कर रहे हैं? यहाँ पे आप देखोगे सेम एनालिसिस, 1 दिसंबर का लो फॉर सेलिंग पार्टी के लिए एक इंडिकेशन था कि इसके लो के नीचे एक सेलिंग, लेकिन सेलिंग होगा भी तो सपोर्ट कहाँ पे लेगा? सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड व्हिच इज नथिंग बट द 20 पीरियड मूविंग एवरेज, एंड वही के वही पे सपोर्ट लेके ये अभी कंसोलिडेट किया था। व्हाट नेक्स्ट में डेली पर्सपेक्टिव में तो 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नजदीक में सपोर्ट ले रहा है, लेकिन वीकली में नेगेटिविटी छाया हुआ है। इन सच केस अगर वीकली चार्ट को हम देखेंगे नेगेटिव आशा करेंगे तो डेली में हम उसको कैसे देख सकते? डेली में ये जो बुल कैंडल है इसके लो के नीचे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं, जिसका पहला स्टेशन हो सकता है आपका 104। उसके बाद ये हो सकता है आपका 103.05 से 103.30 का। उसके लिए कल के लो के नीचे क्लोज देना चाहिए यूरो डॉलर। यूरो डॉलर में बढ़िया सा नेगेटिविटी वीकली में, सेम एनालिसिस लाइक द जीबीपी डॉलर 61.8% ऑफ द जुलाई अक्टूबर डाउन ट्रेंड का रिट्रेसमेंट, आरएसआई रेजिस्टेंस एट 60, प्राइस सेक्शन रेजिस्टेंस 3%, तो यहां पे एक अच्छा खासा सेलिंग है। एंड डेली में आप अगर देखोगे तो हमारा जो एम्पेटेंट का टारगेट है जो हमने पहले डिस्कस किया था, जिसके कारण ये आना चाहिए 1.0650 के आसपास, लेकिन अभी उसके उस डायरेक्शन को अचीव करने के लिए कल का जो बुल कैंडल है उसके लो के नीचे सस्टेन करना पड़ेगा। यूरो आईएनआर पे सिमिलरली नेगेटिविटी छाया हुआ है, एंड आपका कल का जो बुल कैंडल है डेली चार्ट में अगर हम देखेंगे, चलिए माय बैड, मैं यूरो डॉलर का एम्पैटर्न बोल रहा था बट इट्स यूरो आईएनआर का एम्पैटर्न जिसका टारगेट है 89.00, उसको अचीव करने के लिए कल के ग्रीन कैंडल जो है उसके लो के नीचे सस्टेन करना पड़ेगा। इन सच केस हमारा जो नेक्स्ट स्टेशन होगा वो है आपका 89। क्या ये होता है उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। डॉलर येन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, येन आईएनआर, येन आईएनआर में जबरदस्त जबरदस्त आप मूव है। ये लेवल को ब्रेक आउट करने के बाद क्या मस्त, क्वेश्चन इज क्या आपने मीन्स क्या मैंने उसमें जेपीवाई आईएनआर में ट्रेड लिया? मैंने लिया है लेकिन क्वांटिटी बहुत ही कम है, ओनली 25 लॉट्स, सो दैट इज व्हाई आई डोंट वांट टू डिस्कस इट। मींस आई मिस्ड प्रैक्टिकली, आई विल से द अमाउंट ऑफ कन्विक्शन आई वाज हैविंग, क्योंकि मैं पिछले 2 महीने से इसको ट्रैक कर रहा था, 2 महीने से ये ट्रैक कर रहा था कि आप मूव आएगा, एंड काफी पोजीशंस भी लिया था, स्टॉप लॉसेस भी बुक किया था, लेकिन कल के दिन में मैंने सिर्फ 25 लॉट ही बाय किया। सो 25 क्वांटिटी 25 लॉट इज एज गुड एज नथिंग कंसीडरिंग द अमाउंट ऑफ कन्विक्शन दैट आई वाज, सो इट इज एज गुड एज आई हैव नॉट टेकन एनी पोजीशंस। आई मिस्ड द अपॉर्चुनिटी टू कैपिटलाइज एटलीस्ट क्वार्टर मिलियन टू हाफ ए मिलियन येन आईएनआर पोजीशंस। डॉलर कैंडी का आपका डेली चार्ट में देखोगे कल एक छोटा सा इन्वर्टेड टाइप ऑफ पिनबर बनाया हुआ है, ऑल्दो ग्रीन इन नेचर, लेकिन इसका जो लोकेशन है जस्ट सपोर्ट लेवल के सामने। व्हाट नेक्स्ट में अगर हम देखेंगे, पहला है वीकली, वीकली में दोनों साइड में रूम है, यानी ऊपर की तरफ जाने का भी रूम है, नीचे की तरफ भी जाने का रूम है। दैट बीइंग द केस यहां पे डेली में अगर प्राइस को देखेंगे, आरएसआई करंटली एट 43 42.99, क्या आने वाले दिनों में ये 40 को ब्रेक डाउन करके नीचे जाएगा या 40 में के आसपास सपोर्ट लेके दोबारा बाउंस बैक करेगा? दैट वी नीड टू वॉच, हमें ये देखना है
क्या होते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट वन वी कैन थिंक. लेकिन यहाँ पे प्राइस एक्शंस अगर देखोगे क्या है, कंटिन्यूअसली लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन एंड ऑल्सो सेंटर बैंड में रेजिस्टेंस. सो दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट जोन 1.3650 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया हो सकता है विद ए टाइट मींस विद ए लेस स्मॉलर स्टॉप लॉस. अभी ऑसी डॉलर में कल 3 दिन बैक टू बैक एक अच्छा खासा सेलिंग देखा गया. रिट्रेसमेंट जाके सपोर्ट कहाँ पे लिया, दैट इज द मींस थिंग दैट वी नीड टू ऑब्जर्व. ये प्रीवियस जो आपका रेंज था उसका हायर एंड पे अपर एंड पे जाके सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है. बट इट सिग्निफाइज यहां से फिर दोबारा ऊपर जाने के लिए बंदा तैयार हो रहा है. अभी आपका ये 6 दिसंबर का जो कैंडल बनाया है, दिस इज वेरी स्पेसिफिक. ये क्या है, ये है इन्वर्टेड पिंबर. जनरली इन्वर्टेड पिंबर टॉप ऑफ द ट्रेंड में होना चाहिए. ये छोटा सा जो डाउन मूव है इसके बॉटम में आया है, यानी इसके हाई के ऊपर एक अच्छा खासा बुल रन हम देख सकते हैं, बाइंग स्प्रे हम देख सकते हैं. सो दैट बीइंग द केस, क्या आज के दिन एक अपवर्ड मोमेंटम या अगले हफ्ते एक अपवर्ड मोमेंटम जो पहले टारगेट करेगा जा रिसेंट स्विंग हाई, देन हमारा जो टारगेट है क्या है, टारगेट 6725 एंड 6800. क्या इधर आते हैं हमें देखना पड़ेगा. अभी आते हैं हमारा सीएनएच 7.165. यहाँ पे वीकली अगर प्राइस देखोगे तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है. आरएसआई आल्सो टेकिंग सपोर्ट एट 40, नॉट एग्जैक्टली एट 40 बट नियर टू 40. देन व्हाट नेक्स्ट, प्राइस कंसोलिडेशन करके ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है. कल का जो हाई है, कल का नेगेटिव कैंडल का जो हाई है, उसके हाई के ऊपर एक अपवर्ड मोमेंटम हम देख सकते हैं. ब्रेंट क्रूड 75.36. यहाँ पे हमारा जो टारगेट था एक एक लेवल यहाँ पे डाला हुआ है. मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, आप प्रीवियस डेली बेसिस का ब्रेंट क्रूड का सेक्शन में जाके देखिए. जो भी हो, ये तो हो गया पुराना बात, यानी हमने कहा था बाबा ज्ञानी बाबा और वो बात यहाँ पे मींस मेरा जो इंटेंशन ये नहीं है कि मैंने बोला था और हो गया. नो नेवर, मेरा ये इंटेंशन है व्हाट नेक्स्ट. आप अगर मेरा पिछले 2 साल का जो मेरा अटेम्प्ट है, मैं जो चाहता हूँ वहां पे व्हाट नेक्स्ट में है इम्पोर्टेंस. क्योंकि जो हो गया सबको पता है, ये हो गया था वो हो गया था, इसने कमेंट किया उसने कमेंट किया, इधर ये वार छेड़ गया वो वार छेड़ गया वगैरह वगैरह. लेकिन व्हाट नेक्स्ट इज माय मेन एम्फेसिस. व्हाट नेक्स्ट में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे आज का कैंडल इज बिकमिंग वेरी क्रूशियल. जो अभी जस्ट स्टार्ट ऑफ द डे है, ये क्या है पिन बार, लेकिन अभी भी पूरा दिन बाकी. इंडियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट एंड यूएस मार्केट पूरा बाकी है. सो इसको कंप्लीट होने देते. अगर मान लेते कि आज के एंड ऑफ द डे में दिस टाइप ऑफ कैंडल बना हुआ है, कौन सा अभी जैसे बना है, इस टाइप का एक पिन बार बनते हैं आफ्टर ए शार्प रैली. एक पिन बार अगर इस टाइप का कैंडल का 7 दिन क्लोज देते हैं इन सच ए केस, दिस सिग्नल्स एक बाइंग मोमेंटम आने वाले दिनों में हो सकता है. So, during the day, Indian market, European market and US market में कैसे बिहेव करता है वो हमें देखना पड़ेगा. ऐसे भी नीचे की तरफ हमारा ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, कौन सा है आपका 72 से 73.25. ओके, US two year treasury में अभी है 4.168. यहाँ पे मेरा, मैं नहीं बोलूंगा हमारा, मैं सुनने में अच्छा नहीं लगता. So, हमारा तो यहाँ पे हमारा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था वहीं पे सलाम ठोक के अभी ऊपर जाने के लिए, मींस ऊपर नहीं बोलेंगे, कंसोलिडेट करने का प्रयास. जब तक यहाँ पे आने के बाद एक W पैटर्न्स नहीं बनाते हैं तब तक ऊपर के लिए कोई सवाल ही नहीं है. प्राइस कैसे बिहेव करता है वो हमें देखना पड़ेगा. सो यहाँ पे कंसोलिडेशन
उसके बाद क्या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देते हैं, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा तो काफी सारा स्टेशन है, 3.95, 3.75, 3.68 एंड 3.59, ये स्टेशन हमारा मिलेगा एज ए सपोर्ट स्टेशन। यूएस टू ए ट्रेजरी, यूएस टू ए ट्रेजरी 4.614 सपोर्ट लेवल पे प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, बढ़िया है। लेकिन ये क्या है, ये एक इन्वर्टेड फ्लैग है पोलैंड फ्लैग का। आप अगर देखोगे आप बोलोगे कैसे फ्लैग हो गया, चलो इसको मैं इन्वर्टेड बना देता हूँ। अभी देखो अगर इस टाइप का कैंडल मीन प्राइस एक्शंस बन रहा है, डू यू थिंक इट्स अ पोल एंड फ्लैग? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग पूछ रहे हो क्या ये लग रहा है। इन सच अ केस एक्चुअल प्राइस एक्शन पे ये इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग है, दैट मीन द केस इसको कंसोलिडेट होने देते हैं, उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा तो बल्ले बल्ले। ठीक है, करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये प्रेजेंटेशन आपको डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। मैं खुद को और भी इम्प्रोवाइज करने का प्रयास कर रहा हूं ताकि मेरा ये प्रेजेंटेशन और भी एट्रैक्टिव हो, और भी बेटर प्रेजेंटेबल, उसके लिए कोशिश जारी है। आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिए, कमेंट्स चाहिए, आप लोगों का शेयर्स चाहिए, आप लोगों का लाइक्स चाहिए एंड सब्सक्रिप्शन चाहिए टू मेक दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट, क्योंकि दिसंबर 29th आई थिंक इज गोइंग टू बी माय सेकंड कंप्लीशन ऑफ द सेकंड ईयर, यानी 2 साल इस प्रयास का कंप्लीशन है। आने वाले दिनों में आई वॉन्ट टू मेक इट फर्दर बेटर। सो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना है, आशा करता हूं, आशा नहीं अभी रखता हूं। थैंक यू एंड बाय बाय।